नमस्कार। झारखंड बने 21 साल बीत चुके हैं। झारखंड किसके लिए बना? झारखंड यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के लिए बना। लेकिन क्या वाकई में उनको इंसाफ मिला? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं आदित्यपुर थाने में खड़ा हूँ और मेरे पास में आप एक ये आवेदन देख रहे हैं, और मेरे साथ जो खड़ी महिला है ये एक आदिवासी महिला है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस आवेदन में क्या लिखा है। इस आवेदन में लिखा हुआ है, श्रीमान थाना प्रभारी आदित्यपुर, और जो इंट्रो होता होता आप समझ लिए होंगे, इसका मुख्य उद्देश्य इस आवेदन में मुख्य रूप से लिखा गया है कि मैं ममता हेम्ब्रम, निश्चित तौर पर ममता हेम्ब्रम का मतलब हो गया ये आदिवासी महिला है। पति मनोज हेम्ब्रम, पिता स्वर्गीय रुईदास बोदरा, वर्तमान पता सी रोड कल्पनापुरी सिनाथ गार्डन ब्रिज, पोस्ट थाना आदित्यपुर, जिला सरायकेला की रहने वाली हूँ। मेरी शादी मनोज हेम्ब्रम, पिता सनातन हेम्ब्रम के साथ वर्ष 2007 में हुई थी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था। वर्ष 2008 में एक बेटी पैदा हुई। उसके बाद मेरा पति शराब पीने लगा, मुझे मारपीट व गाली गलौज करने लगा। झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए शराब पीकर अपनी पत्नी को मारपीट करना या शराब के नशे में कई जघन्य अपराध हो जाते हैं, ठीक है। शादी करने धमकी देने लगा। मेरा ससुर तथा सास पैसा कमाकर लाने के लिए मारपीट करते हैं, कहते हैं जैसा हम लोग कहते हैं वैसा करो, बहुत पैसा होगा। ससुर अनजान आदमी को घर में लेकर आता है तथा उसके साथ मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मारपीट करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण और क्या हो सकता है? इसके बाद आगे की कहानी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले अब सीधे हम इनसे ही बात कर लेते हैं। इनसे हुआ क्या एक्चुअल में, थोड़ा सा सामने आइए, क्या हुआ आपके साथ में पहले बताइए। ये जो आप आरोप जो लगा रही हैं, क्या ये सही है? क्या होता है आपके साथ में? इसे देखिए, मेरा पति दूसरे लड़की का साथ चक्कर में है, उसके से मेरे को गाली गलौज मार पीट गांजा दारू पी के घर से निकाल दिया, मार पीट करने लगा, और उसके बाद बच्चा भी छीन लिया कि जाओ तुम अकेले रहो, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तुम मेरा बीवी नहीं है बोला। देखिए इनकी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। ये आदिवासी महिला है और इस तरह से रोकर अपने पति के बारे में बता रही है। आरोप इन्होंने लगाया है कि इनको एक पुत्र भी हुआ था और उस पुत्र को इनके पति ने कहीं बेच दिया। समझ सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी है। और इस महिला का जो दर्द आप देख रहे हैं ना, ये दर्द आप समझिए, बयां नहीं कर पा रही इस में क्या हो रहा है। बहरहाल ये आदित्यपुर थाना पहुंची है, इनके साथ में टीएमसी नेत्री लोग भी पहुंची भी है। मैं उनसे भी आपको बात कराता हूं। मैडम जरा इधर आइए, आपको कैसे पता चला कि ये प्रताड़ित हो रही है? इधर देखिए, इनके पास में आई थी, ये हम लोग के पास में आई अपना दुख भरी कहानी लेके। हम लोग उनको बताई क्योंकि जेस्ट में दिल्ली में रहती हूँ और टीएमसी की मैं नेत्री हूँ, तो मैं टीएमसी का काम करती हूँ, छोटा मोटा सब, जैसे महिलाओं को कुछ भी समस्या होता है तो थाना में लेके आना। इन्होंने जो आरोप लगाया वो आपको पता है ना? हाँ ये पता है, मैं जाके थोड़ा। इन्होंने अपने आरोप लगाया अपने पति पर और सास ससुर पर कि इन पर वेश्यावृत्ति के लिए दबाव बनाया जाता है और इनके इनके पुत्र को इनके पति ने कहीं बेच दिया है। ये तो गंभीर बात है। तो आगे आप क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोग थाना पर से बोल रहे हैं कि जो उनको सहयोग चाहिए, हम उनको जो हमारे इनके ऊपर में जो केस करने आए हैं उनको छानबीन कीजिए, बच्चा कहाँ पे है और उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करें। थाना प्रभारी से मिले आप? नहीं मिले हैं, अभी जा रहे हैं हम मिलने के लिए, आवेदन देने के लिए, और क्या बोलते हैं देखते हैं और सुनते हैं। आपसे सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छा से थोड़ा सा इनका केस हो सहयोग कीजिए। चलिए अच्छी बात है, इनको इस महिला को जो है टीएमसी का साथ मिला है और हम भी यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं या जिला प्रशासन के जो बड़ी पदाधिकारी हैं उनसे अपील करेंगे कि कम से कम ऐसी महिलाओं के मामले में इंसाफ होना ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी है, महिला की शादी होती है, उसके पति सास ससुर देवर उनके साथ में जो अमानवीय बर्ताव करते हैं, उन पर वेश्यावृत्ति का दबाव बनाते हैं, उसके बाद जो है उनके
एक बेटी है, एक बेटा है, बेटा को जो है कहीं बेच दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये बात बताने में भी शर्म आती है। खैर, हम उम्मीद करेंगे सरायकेला के बड़ी प्रशासनिक पदाधिकारियों से कम ऐसी महिलाओं के इंसाफ दिलाने में थोड़ा सहयोग करें। धन्यवाद।